हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से ऑपरेटर्स गेम के ऊपर बात करेंगे, यानी हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेटर्स गेम करते हैं, कैसे ऑपरेटर्स ट्रैप बिछाते हैं जिसमें हम जैसे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हम ऑपरेटर्स गेम को देखेंगे वो पंपिंग और डंपिंग जो उनका एक प्रोसेस है जो काफ़ी पॉपुलर मेथड है जिनके जरिए वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर के बीच में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी क्रिएट किया जाता है, और फियर ऑफ मिसिंग आउट डिफरेंट तरीके से क्रिएट किया जाता है, उन सब के ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो ऑपरेटर्स गेम होता है, जो ऑपरेटर्स आपके लिए ट्रैप बिछाते हैं, उस ट्रैप से आप बच कैसे सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आपको ऑपरेटर्स के जाल से बचना, ऑपरेटर्स के ट्रैप से बचना है, सबसे पहले आपको ऑपरेटर्स के गेम को आइडेंटिफाई करना होगा। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आज जो हम ऑपरेटर्स गेम को समझने की कोशिश करेंगे वो एक पार्टिकुलर स्टॉक्स में समझेंगे, और उस स्टॉक का नाम है इंडिया बुल रियल इस्टेट। इसमें ऑपरेटर्स ने बहुत बड़ा गेम किया, इसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। और रिसेंट टाइम्स में जब यहाँ पे ऑपरेटर्स गेम चल रहा था तो ये स्टॉक्स काफ़ी पॉपुलर भी था, आपको हर एक जगह इसका चर्चा सुनने को मिल रहा था। जब यहाँ पे ऑपरेटर्स ने इसको प्राइस को ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले गया था, यानी जब पंप करके प्राइस ऊपर की तरफ गया था, और जब यहाँ पे डंपिंग स्टार्ट हो गया था, तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे, बड़े बड़े यूट्यूब पे आपको इसको रिकमेंड सुनते होंगे। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे इंडिया बुल्स रियल इस्टेट स्टॉक एनालिसिस, तो आपको बड़े बड़े दिग्गज लोगों के रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। कोई बोलेगा कि स्टॉक ऑफ द ईयर 2022 था, कोई बोलेगा मल्टीबैगर स्टॉक्स था, कोई आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह देगा, और कोई बोलेगा कि दूसरा स्टॉक्स हटा के भी इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। तो बहुत सारे लोग रिकमेंड कब कर रहे थे, टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। जब डंपिंग गेम स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे रिकमेंड कर रहे थे। अब कौन कौन लोग रिकमेंड कर रहे थे वो खुद से आप जाके सर्च कर सकते हो। अब वो क्यों कर रहे थे वो आप खुद समझदार हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है वो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हम अक्टूबर के मंथ में आते हैं, यानी अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर 2020 में क्या हुआ, इसका प्राइस कहाँ पे था, इसका प्राइस था आपका 50 रुपीज़ के आसपास, और फिर यहाँ से प्राइस आपका ऑल द वे अपसाइड की तरफ गया, और लगभग आपका अक्टूबर नवंबर 2021 में इसका प्राइस ऑल द वे 180 रुपीज़ तक पहुँच गया, यानी 50 से 180 लगभग आपका 3.5 टाइम्स प्राइस इसका इंक्रीज हुआ है, यानी 350% इसका प्राइस अपसाइड मूव पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है, इसके पीछे का रीज़न है, अगर कोई स्टॉक्स आपका 3.5 गुना ऊपर जा रहा है या 350% ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका फाइनेंशियल्स बेहतरीन होना चाहिए या फिर मैनेजमेंट बेहतरीन होना चाहिए। यहाँ पे इसके मैनेजमेंट में भी इशू था और मैनेजमेंट चेंज हुआ था। तो सिर्फ मैनेजमेंट चेंज एक इशू नहीं होना चाहिए, अगर मैनेजमेंट चेंज के बेसिस पे ये ऊपर जाता है तो 10% 20% 30% तक ऊपर जाना वैलिड है, लेकिन अगर आप उसके बाद भी ऊपर जा रहा मतलब इसके पीछे कोई और सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर बिना इसके जा रहा तो फिर इसको आप ऑपरेटर्स गेम भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो 350% का अपसाइड मूव दिखाया अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर नवंबर 2021 तक, इस पर्टिकुलर पीरियड में इसका फाइनेंशियल्स तो ज़बरदस्त होगा ही, प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ होगा, सारा कुछ यहाँ पे बेहतरीन दिख रहा होगा। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इंडिया बुल रियल इस्टेट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। अगर आप इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो रेवन्यू में देख सकते हैं गिरावट ही देखने को मिल रहा, कहीं पे भी हमें अपसाइड देखने को नहीं मिला रेवेन्यू में। ईबीटा की बात करें तो ईबीटा भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ, कंटिन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर नेट इनकम तो इनफैक्ट आपका फाइनेंशियल 2022 में निगेटिव चला गया था, और FY 2021 में भी बहुत कम था, यानी डिक्रीज ही हो रहा था, कहीं पे भी हमें थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला जिस बेसिस पे प्राइस इसका 350% ऊपर गया या फिर 3.5 गुना ऊपर गया। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 10 से 2, 2 से लगभग 0 पे, और 0 से निगेटिव में आ गए, यानी यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको निगेटिव रिटर्न मिलेगा, यानी आप यहाँ पे कैपिटल डुबाएंगे, और जो भी लोग इन्वेस्ट किए होंगे वो कैपिटल डुबाए होंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स घटिया है, और इस फाइनेंशियल के बेसिस पे किसी भी स्टॉक प्राइस का प्राइस अगर 350% ऊपर जा रहा है या 3.5 गुना ऊपर जा रहा है, तो आपको यहीं पे समझना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ झोल है, इसके बेसिस पे प्राइस ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। अगर इसके बेसिस पे प्राइस 100% 200% नीचे भी गिर जाता फिर भी हमें
आश्चर्यचकित नहीं होता, फिर भी यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ वैलिड रीजन है जिसके बेसिस पे प्राइस नीचे गिरा है। लेकिन इसके बेसिस पे प्राइस अगर 5% या 10% भी ऊपर जाता है तो वहाँ पे हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्राइस मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है, प्राइस को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर ले जाया जा रहा है। अब हम वापस से यहाँ पे चार्ट पे आ गए और इसका फाइनेंशियल्स तो घटिया है, यानी जब से इसने अपसाइड मोमेंटम पकड़ा तब से इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। और जो भी इसको रिकमेंड कर रहे थे वो किस कारण से रिकमेंड कर रहे थे वो आप लोग समझ ही गए होंगे। उसके बाद देखिए प्राइस आपका कंटिन्यूसली ऊपर गया और इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ, यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पंपिंग हुआ है, मतलब जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे क्या किए, पैसा अपना पंप किए और इसको प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए। और जैसे प्राइस ऊपर की तरफ निकला ये देख सकते हैं ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जहाँ पे माल डंप किया गया, यानी ये जो पर्टिकुलर फेज है अक्टूबर से लेके आपका अप्रैल तक बोल सकते हैं, अक्टूबर 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक यहाँ पे पंपिंग हुआ है, यानी यहाँ पे माल उठाया गया, यानी आप इसको एक्युमुलेशन जोन बोल सकते हैं जहाँ पे एक्युमुलेट किया गया बड़े बड़े ऑपरेटर्स के द्वारा। और जब इसको एक्युमुलेट किया गया था तभी मोटिव क्या था कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करेंगे और इससे हम पैसा बनाएंगे। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इस मामले में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, पहले भी हमें यहाँ पे इस तरह के पंपिंग और डंपिंग सिचुएशन देखने को मिला है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जो इन्वेस्टर्स का फेवरेट होता है, जहाँ पे वॉल्यूम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा रिटेल ट्रेडर ट्रैप होते हैं और वैसे वैसे स्टॉक्स को ये पिक करते हैं। ये लार्ज कैप को पिक नहीं करेंगे क्योंकि लार्ज कैप का हिलाना इनके बस की बात नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत पैसा डालने से ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उनमें इनसे बड़े बड़े दिग्गज ऊपर बैठे रहते हैं। इसलिए वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिक करते हैं जहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या, जो भी लोग इस प्राइस पे या फिर किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एंट्री किए होंगे वो अल्टीमेटली क्या हुए हैं, वो अल्टीमेटली ट्रैप हुए होंगे। और उसके बाद देखिए प्राइस आपका वापस से अभी आपका 70 के लेवल पे ट्रेड कर, यानी जितना ही अपसाइड मोमेंटम दिखाया था सारा का सारा गेन लूज कर दिया और यहाँ पर लॉस या फिर ट्रैप कौन हुए होंगे, जो रिटेल ट्रेडर जो भोले वाले रिटेल ट्रेडर वो यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ चार्ट के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ने गेम किया है। तो इसको हम कैसे समझेंगे और इससे हम कैसे बच सकते हैं, चलिए वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ऑपरेटर्स गेम हुआ है, थोड़ा बहुत हमें भनक लग गया है कि फाइनेंशियल्स ख़राब था उसके बाद भी प्राइस ऊपर गया, लेकिन एग्जैक्ट हमें कब आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ने गेम किया है और कब वो मार्केट में एंट्री किए और कब वो मार्केट से निकले, चलिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और वही आपको सटीक पॉइंट बताएगा जहाँ पे आप चाहो तो ऑपरेटर्स की तरह यहाँ पे प्ले करके थोड़ा बहुत इससे बेनिफिट उठा सकते हो, नहीं तो इन सारे स्टॉक से आप दूर भी रह सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूँगा और इसी डेटा के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ईजिली आसान तरीके से कि यहाँ पे ऑपरेटर्स ने गेम किया। ये इंडिया बुल्स का डिलीवरी डेटा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको इंडिया बुल्स का, ये आपको NSE के वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पे जाके आप ये सारा डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो NSE की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, यहाँ पर हमें परसेंटेज डिलीवरी क्वान्टिटी ट्रेडेड इस पर फोकस करना और डिलीवरी क्वान्टिटी जो है इस पर फोकस करना, यानी ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि अगर 100 ट्रेड इसमें हुआ है तो कितना ट्रेड डिलीवरी में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ पे 42% है, डैट मीन्स टू अगर 100 ट्रेड हुआ है तो 42 ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया गया डिलीवरी में। यहाँ पे 62% है, मतलब 100 ट्रेड हुआ है तो 62 ट्रेड आपका डिलीवरी में गया है, इसका ये मतलब होता है। और डिलीवरी क्वान्टिटी कितना है ये हमें ये इंडिकेट करता है। ये दोनों डेटा के बेसिस पर हम ऑपरेटर्स के गेम को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपको डिलीवरी क्वांटिटी है वो आपको हाईएस्ट लगभग 65% करीब देखने को मिलेगा और लोएस्ट आपको यही 39% मैक्स मिनिमम 34% करीब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे आप 30% भी ले सकते हैं, यानी 30% से कम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, डिलीवरी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप बात करेंगे तो 65-60% 40-45-47% डिलीवरी क्वांटिटी आपको बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स में भी नहीं दिखेगा, जिसको मोस्टली लोग पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, उतना भी उसका डिलीवरी वॉल्यूम नहीं रहता है। लेकिन इसका इतना डिलीवरी वॉल्यूम आना भी शंका पैदा करता है क्योंकि कुछ भी बढ़िया नहीं था, रिजल्ट खराब था, उसके बाद भी लोग इसको डिलीवरी में क्यों कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। और इन सब के बावजूद भी अगर रिटेल ट्रेडर इसमें आते हैं और डिलीवरी के लिए उठाते हैं तो फिर उनको ट्रैप होने से कोई नहीं बचा सकता। और भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, हर एक को आप ज्वाइन करके देखिए,
आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी स्टेप है हर एक जगह आपको सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिलेगा, यानी जो नेचुरल बिहेवियर है वो नेचुरल बिहेवियर नहीं हो रहा, उससे हट के यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हम डिलीवरी क्वांटिटी को देखते हैं। डिलीवरी क्वांटिटी देखो तो आपका 3 लाख है, 7 लाख है, 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यानी आपको 3 लाख से ऊपर ही देखने को मिल रहा, और कहीं कहीं पर 14 लाख और 15 लाख आपको देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ, देखिए डिलीवरी क्वांटिटी ज़्यादा है और नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, अब हम इसको प्राइस के देखते हैं। प्राइस देखिए वहीं पे रुका हुआ, यानी 45 से लेके 50 तक ही प्राइस रुका हुआ। अगर डिलीवरी क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो नेचुरल बिहेवियर क्या होता है, नेचुरल बिहेवियर होता है कि प्राइस को भी अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, यानी प्राइस को भी ऊपर जाना चाहिए। अगर 50 के करीब यहाँ पे प्राइस है तो इसको 55, 60, 65 के करीब जाना चाहिए, लेकिन प्राइस आपका एक रेंज में ही इस पर्टिकुलर टाइम पे मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी जो नेचुरल बिहेवियर उससे हट के रिएक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से रिएक्ट कर रहा या फिर करवाया जा रहा, यह हमें क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं ये इसको एक्यूमुलेट कर, एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पंपिंग किया जा रहा, पैसा यहाँ पे डाला जा रहा है। और जब वो एक्यूमुलेट करते हैं एक पार्टिकुलर प्राइस पे एक्यूमुलेट करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सारा पैसा एक ही बार डाल के हायर प्राइस पे एक्यूमुलेशन किया जाए, इसलिए वो प्राइस को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देते। लेकिन यहाँ पे डिलीवरी ट्रेड देख सकते हैं वो इंक्रीज हो रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेशन फेज है। तो एक्यूमुलेशन फेज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट के 4 फेज होते हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा। सबसे पहला आपका होता है एक्यूमुलेशन फेज, उसके बाद आता है एडवांसिंग फेज, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहाँ पे माल आपका डंप किया जाता है, फिर आता है आपका डिक्लाइनिंग फेज। तो इस 4 फेज को भी यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना, उससे भी आप ऑपरेटर से गेम को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक फिल्टर इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी 30% से कम कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट आपका 30% दिख रहा है, और उसके बाद जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो हाईएस्ट आपका 14 लाख, 15 लाख करीब दिख रहा है, और 10 लाख से ऊपर आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम फिल्टर लगाएंगे कि डिलीवरी क्वांटिटी 10 लाख से ज़्यादा कहाँ पे है और परसेंटेज डिलीवरी 30% से कम कहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फिल्टर इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया, डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्लाइटली ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, और परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी जहाँ पे आपका 30% से कम हो, यानी 30% से कम और 10 लाख से ज़्यादा। तो यहाँ पे चलिए अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि ये पार्टिकुलर है कहाँ पे, इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हो रहा, जो आपको डिलीवरी क्वांटिटी है वो 10 लाख से कंटिन्यूसली ज़्यादा है, और यहाँ पे आपको इस पार्टिकुलर जगह पे आपको करोड़ों में देखने को मिलेगा। तो इस पार्टिकुलर लेवल पे भी क्या हो रहा है, ये आपका मार्केट का दूसरा फेज आता है। सबसे पहला क्या था, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन के बाद एडवांसिंग है। अब यहाँ पे देखिए आपका प्राइस भी ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं 48 से 55, 60, आपका 70 प्राइस भी ऊपर जा रहा, और यहाँ पर आपका जो डिलीवरी क्वान्टिटी है वो भी इंक्रीज हो रहा, मतलब ये आपका दूसरा फेज आ जाता है एडवांसिंग, जहाँ पर प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, और बहुत कम रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे एंट्री करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि जो भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करेंगे वो प्रॉफिट बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत कम मौका दिया जाता है एंट्री करने का। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने पहला फेज़ और दूसरा फेज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम नीचे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको इस पार्टिकुलर फेज़ को समझना है। अब इस पार्टिकुलर फेज में क्या हो रहा है, देख सकते हैं डिलीवरी क्वांटिटी आपको 10 लाख से ऊपर कंटिन्यूसली है, और कहीं कहीं जगह पे आपको करोड़ में भी देखने को मिल रहा है, और जहां पे करोड़ है वहां पे देखिए डिलीवरी परसेंटेज कितना है, 13% है, जो कि अभी तक का सबसे लोएस्ट है, और यहां पे डिलीवरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, मतलब यहां पे डंपिंग स्टार्ट हो चुका है। जो तीसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वो यहां पे हमारा स्टार्ट हो चुका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब यहां पे क्या करेंगे, अब यहीं पे क्या किया जाता, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे बाई करो, अगर बाई नहीं करोगे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप मिस कर दोगे, और वो आपको बार बार रिकमेंड करेंगे बाई करने के लिए, ताकि आप यहाँ पे आसानी से ट्रैप हो सको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका डिलीवरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या हो रहा, जो डिलीवरी परसेंटेज ट्रेड है वो कम हो रहा। हम पीछे देखे थे तो 30% से कम यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा था, लेकिन अगर हम यहाँ पे खोजेंगे तो 30% से ऊपर हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको 30% से कम डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिला, मतलब ट्रेड इंक्रीज हो रहा लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम कम हो रहा, डैट मीन्स टू यहाँ पे डंपिंग किया जा रहा, प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा, और रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है। तो यही सब चीज़ आपको देखना है।
कि पिछले टाइम में क्या हो रहा था, जब हमने एडवांसिंग फेज आपको बताया था वहाँ पे क्या हो रहा था और एक्युमुलेशन फेज में क्या हो रहा था, और अभी जब आपका तीसरा फेज आया डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हो रहा, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज जल्दी खत्म नहीं होगा, ये लंबा चलेगा, इसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत गिरेगा, फिर प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाया जाएगा ताकि दूसरी बार जो रिटेल ट्रेडर है उनमें कॉन्फिडेंस आ सके। तो यहाँ पे आप प्राइसिंग भी देख सकते हैं, प्राइस आपका कहाँ पे था, लगभग 70 करीब से वो लोग एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर दिए थे, और जैसे एक्युमुलेशन उनका खत्म हुआ प्राइस आपका ऊपर आना शुरू हो गया था। अब देखिए प्राइस आपका ऑल द वे इंक्रीज होते हुए आपका 165, 166 के लेवल तक आ गया, यानी ये अपने पीक पे आ गया, पीक के करीब आ गया। अब यहाँ से एक ही बार नहीं गिरेगा, एक ही बार गिरेगा तो किसी को भी शक हो जाएगा और रिटेल ट्रेडर का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, दोबारा वो आना नहीं चाहेंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसे ट्रैप किया जाता ताकि रिटेल ट्रेडर को लगे कि भाई गलती मेरा ही है, दूसरा कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, और यही सब चीज़ आपको समझना। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि और यहाँ पे आगे क्या कुछ गेम हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस आपका वापस से कहाँ तक आया था, 160 से प्राइस आपका वापस से 130 तक आ गया था, और इसके बाद वापस से क्या हुआ, वापस से डिलीवरी परसेंटेज आपका इंक्रीज हुआ है और क्वांटिटी जो है वो 10 लाख से कंटिन्यूसली ऊपर है, यानी वापस से यहाँ पे एक बार और बाइंग किया गया ताकि उनमें दोबारा कॉन्फिडेंस आए। देखिए प्राइस अगर ऊपर जाता, ऊपर से नीचे गिरता और एक पार्टिकुलर लेवल से ऊपर आता तो जो लोग यहाँ पे बाई करने की सोच रहे या यहाँ पे बाई करने की सोच रहे वो सोचे कि भाई अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दिया, अब अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है तो वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे कहीं पे बाई करने को सोच रहे थे वो इस पार्टिकुलर लेवल पे क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर लेवल पे ज़बरदस्त बाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वो ट्रैप होते हुए यानी फंस सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा प्राइस आपका वापस से और ऊपर जाता हुआ देखिएगा, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं। अब देखिए प्राइस आपका क्या हुआ, वापस से प्राइस ऊपर आया और अब आपका ये 180-190 के लेवल तक गया है, और इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में देख सकते हैं एक बार आपका डिलीवरी वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे आगे भी आपको थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखेगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्राइस आपका उससे ऊपर लेवल पे, मतलब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई एक बार करेक्शन ले लिया, यानी जो लोगों को निकलना था वो लोग निकल चुके हैं, अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री हुआ, अब यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली आपका जो ट्रेडेड क्वांटिटी वो 10 लाख ज़्यादा है, और यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम वापस से कम है, 27, 26, 29, 28, 30 से ऊपर आपको देखने को ही नहीं मिल रहा, बहुत कम डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल, मतलब वापस से यहाँ पे तीसरा फेज स्टार्ट हो गया, वापस से यहाँ पे डंपिंग स्टार्ट हो गया है, और यही फेज है जहाँ पे आपको बड़े बड़े हस्ती द्वारा ये स्टॉक्स रिकमेंड किए गए थे, बार बार ये आपको रिकमेंड कर रहे थे कि बाई करो बाई करो, और यहाँ पे जो भी लोग बाई किए होंगे वो बुरी तरीके से ट्रैप हुए होंगे और वो मार्केट में बर्बाद हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ से प्राइस आपका बहुत नीचे गिरा और उनके पास कोई और चारा नहीं होगा लॉस बुक करने का, और जो भी यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे वो दोबारा मार्केट में एंट्री करने का हिम्मत नहीं करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे डंपिंग स्टार्ट है और वही चीज़ देख सकते हैं, टाइम टू टाइम डंपिंग हुआ है, फिर यहाँ पे आपका एक ही बार वो सारा माल डंप नहीं करते, क्योंकि एक ही बार अगर सारा माल डंप करेंगे तो एक ही बार प्राइस आपका 70-80 के लेवल पे चला जाएगा। फिर आपका देख सकते हैं एक बार उस लेवल पे हुआ, एक बार आपका 120 से 100 के लेवल तक यहाँ पे डंपिंग किया गया, देख सकते हैं यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको करोड़ों में देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 14% 15% वो देखने को मिल रहा है, इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे डंपिंग चल रहा है और डंपिंग 2-3 फेज में होता है, जैसे हमने देखा था एक्युमुलेशन 2-3 फेज में हुआ था, कहीं भी 50 के लेवल पे हुआ था, उसके बाद आपका 70-80 के लेवल पे फाइनल एक्युमुलेशन हुआ था, वैसे ही डंपिंग आपका सबसे पहले 150 पे हुआ था, 150 पे होने के बाद फिर प्राइस जब 130 आया था फिर वो माल उठाए थे, और उसके बाद फिर 180 पे डंपिंग हुआ, 180 के बाद फाइनल डंपिंग आपका 100 करीब हुआ, और इसके बाद देख सकते हैं प्राइस आपका ऑल द वे नीचे गिरा, और नीचे गिर के प्राइस कहाँ तक आ गया, अब आपका 70 के करीब प्राइस आ गया है, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो इस पार्टिकुलर लेवल पे भी कंटिन्यूसली डंपिंग किया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स उन्होंने डंपिंग नहीं किया, अब यहाँ पे मजबूरी में जो रिटेल ट्रेडर हैं अब उनके पास कोई चारा बचा नहीं है, वो कितना होल्ड करेंगे, निकलना ही था अल्टीमेटली, फियर क्रिएट किया गया और वो सब निकले हैं। तो यही सब चीज़ है, यही सब चीज़ आपको समझना है, और ऐसे ही रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है, ये डेटा आपको आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इसलिए रिटेल ट्रेडर इस डेटा को एनालाइज नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपको ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि रिटेल ट्रेडर के पास आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, और ये डेटा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसका क्लियर कट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम लोग प्रोवाइड करेगा, या फिर यूट्यूब पे या फिर आपको और सब जगह देखने को ही नहीं मिलेगा,
लेकिन ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी ये सारा डेटा को एनालाइज करके इस तरह के ट्रैप से बच सके और इस तरह के ऑपरेटर्स गेम को आइडेंटिफाई कर पाए। सो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।